बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आज बारिश स्टूडियो और आप देख रहे हैं अपनी आमना भट्ट और हमारा चैनल बुलंदी टीवी नेटवर्क। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक सुपर एक्टर से, तो उन आपका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिस आपका? ठीक है? हाँ जी मैं ठीक ठाक। मिस आपका क्या नाम है? हीरा राजपूत। बताना जरूर चाहूँगी क्योंकि मैं पहले बेसिकली काम मेरा सिंगिंग का है, मैं गाने गाती थी। ठीक है, तो फिर मुझे डांस का शौक़ हो गया। बड़ी बाजी की सपोर्ट मेरे साथ है, बड़ी बाजी मेरे साथ है, तो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, वो उनकी दुआएं मुझे याद करता भी है। तो यानी कि आपकी बाजी का हाथ आपके सर पर है और पीछे भी है, यानी कि वो इस में आपके कामयाबी का राज है जी। तो मिस आप हमें बताएं कि आपको यहाँ पे शौक कैसे चढ़ा था, लेकिन किसी को देख के या किसी से सुन के? मुझे ना नरगिस बहुत अच्छी लगती हैं, उनका डांस बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद सबसे पहले तो अंजुमन साहबा बहुत अच्छी लगती थी, उनका डांस उनकी वो बहुत अच्छी, और उसके बाद नरगिस। ठीक है, उनको देख के मुझे शौक हुआ, मैं भी डांस सीखूँ। और मैंने बाजी से कहा तो बाजी ने कहा ठीक है तुम सिंगिंग भी करो और स्टेज भी करो। तो इंशाल्लाह ताला बस दुआएं के साथ। तो आप यहाँ तक आई हैं इस ये बारी स्टूडियो में, तो आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनसे आपकी यानी कि बातचीत है, उनके साथ आपकी बातचीत कैसी है और कैसी फील्ड जा रही है? फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, लियाकत साहब बहुत अच्छे हैं, लियाकत अली साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी जा रही है और हम सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आपने सुना आपसे बात की है और आपने सारी उनकी बात सुनी है, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं। तो अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और इनकी कामयाबी में और बरकत डाले। तो मिस बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को टाइम दिया। तो ठीक है नाज़रीन, हमें इजाज़त दें आपकी अपनी आमना।